पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी भाई बहनों के साथ धड़कते हैं। कैसे मुमकिन था कि कश्मीरी मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नूली कज़ार जम्मू कश्मीर के वफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दुनिया में कश्मीर कॉज को उजागर कर रहा है। कश्मीरियों की इखलाकी सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। वजीर आजम के लीगी रहनुमाओं का आज़ाद जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजीद मुनसिम करने की हिदायत। एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। एलीट फोर्स की बच्चियां बेटियों के शाना बशाना फराइज अंजाम देंगी। वजीर आला मरियम नवाज का बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड से खताब। वजीर आला की एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत। परेड का मुआयना किया। कामयाब होने वालों में एजाजात की तकसीम। कहा कि मैं आप में से हूँ। ये वर्दी नहीं, वो कौमी खदमत है जो काम बेटियों और बेटों के नसीब में आती हैं। हर सियासतदान काबिल एहतराम है जो जिस ओहदे पर है वो मुस्तकिल नहीं। जल्द इंसाफ की फराहमी अदलिया की आइनी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अदम तैनाती से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत के तलब करने पर पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर कानून सुहेब अहमद और वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर्रहमान की पेशी। चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि अगर माजी में गलत होता रहा है तो उसे दुरुस्त होना चाहिए। तमाशा देखते हुए 14 साल गुजर गए। आप हमारे नहीं बल्कि अपने ऊपर रहम करें। अदालत नहीं चाहती कि कोई बदमसी हो। यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुनाएगी। हवाम की सहूलत के लिए वज़ीर दाखला मोहसिन नफी का बड़ा फैसला। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तरजीह की सहूलत। यूसी की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी गई। मोहसिन नफी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। शनाख्ती कार्ड का निज़ाम फुल प्रूफ बनाने का प्लान तलब। जारी शनाख्ती कार्ड माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई का हुक्म। और सहोनी अहलकार बदहवासे का शिकार। गाजा में इसराइली टैंकों की अपनी ही फोर्सेस पर गोलाबारी। इमारत पर हमले में 5 इसराइली फौजी हलाक, 7 जख्मी। रिहायशी इलाकों पर वहशियाना हमलों में मजीद 60 फिलिस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गाजा जंग का दायरा 78% इलाके तक बढ़ा दिया। अक़वामे मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास खुराक और ईंधन का चंद रोज का जखीरा बाकी रह गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।